हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस साल के टॉप 10 बेस्ट सुपरस्टार के बारे में कि मेरे हिसाब से इस साल 2020 की टॉप 10 की लिस्ट में कौन से सुपरस्टार हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि साल के एंड में हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाते हैं। दोस्तों, पिछले साल भी हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने नंबर 1 पर रखा था द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को, लेकिन इस साल नंबर 1 पर कौन है? दोस्तों, पिछले साल हमने नंबर 10 पर रखा था द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन को, लेकिन इस साल नंबर 10 पर कौन है? इसके अलावा फीड कौन से नंबर पे है, रैंडी ओटन कौन से नंबर पे है और सेथ रोलिंस कौन से नंबर पे है, ये सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कुछ ज्यादा ही खास, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए राहुल पंडित को और फुल सपोर्ट दिखाए भाई को। दोस्तों, नंबर 10 पर है ओटिस। दोस्तों, पहले मैं नंबर 10 पर कीथली को रखने वाला था, लेकिन फिर मैंने कीथली की जगह नंबर 10 पर ओटिस को रखा। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि कीथली ने 2019 में काफी तहलका मचाया था और हम सबको लगा कि कीथली 2020 में भी काफी तहलका मचाएगा। यहाँ तक कि एनएक्सटी में तो कीथली ने काफी तहलका मचाया, लेकिन मेन रोस्टर में कीथली से जो उम्मीदें थी उस पर वो खरा नहीं उतरा। लेकिन जहां बात आती है ओटिस की, तो इस निकम्मे ने वो काम करके दिखाया जिस पर किसी को उम्मीदें नहीं थी। उदाहरण के तौर पर 2020 की रॉयल रंबल में मैंडी रोज को एलिमिनेट होने से बचाया, बिना मेहनत किए मनी इन द बैंक जीता मैंडी रोज को पटाया और पापड़ खाए, इससे ज्यादा क्या उम्मीदें लोगे। इसके अलावा दोस्तों, 2020 की सर्वाइवर सीरीज में 5-on-5 एलिमिनेशन मैच में ओटिस ने स्मैकडाउन टीम की तरफ से काफी तहलका मचाया। दोस्तों, हम सबको लगा कि ये नल्ला आएगा और रिंग के नीचे छुप जाएगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर फनी सुपरस्टार यही हरकतें करते हैं, लेकिन ओटिस ने तो काफी तहलका मचाया क्योंकि जो कीथली अपने शोल्डर टैकल से ब्रॉक लेसनर को पूरी तरह से हिला देता है, वो कीथली 3 बार शोल्डर टैकल मारने के बावजूद ओटिस को उसकी जगह से हिला भी नहीं पाया, बल्कि ओटिस ने कुछ टाइम के लिए पूरी रो टीम की नाक में दम कर दिया था। दोस्तों, नंबर 9 पर है सैमी जैन। दोस्तों, आप सबको लग रहा होगा कि सैमी जैन को इस टॉप 10 की लिस्ट में रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि सैमी जैन तो इतना तगड़ा सुपरस्टार नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इस लिस्ट में हम किसी तगड़े सुपरस्टार को नहीं रखते, बल्कि बेस्ट सुपरस्टार को रखते हैं जिन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। और सैमी जैन बेस्ट है क्योंकि वो 2020 के इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन है। इसके अलावा दोस्तों, सैमी जैन ने अपने से बड़े लेवल के सुपरस्टार को फाइट में हराया है, उदाहरण के तौर पर डैनियल ब्रायन, अपोलो क्रूज, एजे स्टाइल और जेफ हार्डी। अब दोस्तों, सैमी जैन ने चाहे चालाकी से हराया हो या फिर दिमाग से हराया हो, लेकिन हराया है। दोस्तों, नंबर 8 पर है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल। दोस्तों, इस साल 2020 में एजे स्टाइल ने इतना ज्यादा तहलका नहीं मचाया, लेकिन फिर भी एजे स्टाइल ने इतना नाम कमाया है कि ये बंदा जिस ब्रांड में होता है उस ब्रांड को इससे काफी ज्यादा उम्मीदें होती है। उदाहरण के तौर पर जिस टाइम स्मैकडाउन में रोमन रेंस नहीं था, उस टाइम लोग एजे स्टाइल की वजह से स्मैकडाउन देखते थे। इसके अलावा दोस्तों, 2020 की शुरुआत में एजे स्टाइल इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन के रूप में भी देखने को मिले, जिसमें उन्होंने ड्रू गुल्लाक, मैट रिडल और डैनियल ब्रायन जैसे सुपरस्टार को फाइट में हराया। इसके अलावा 2020 की सर्वाइवर सीरीज में टीम रो को टीम स्मैकडाउन से मैच में जितवाया। दोस्तों, नंबर 7 पर है द डोमिनेटर बॉबी लेस्ली। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी लोगों को यही लगा कि बॉबी लेस्ली काफी तहलका मचाएगा। बॉबी लेस्ली का ब्रोक लेसनर के साथ एक ड्रीम मैच देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। बॉबी लेस्ली सिर्फ चैलेंज देके रह जाता है, लेकिन मैच का कुछ अता पता नहीं होता। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैंने बॉबी लेस्ली को नंबर 7 पर रखा है क्योंकि इस साल बॉबी लेस्ली हमें एक तगड़े यूनाइटेड स्टेट चैंपियन के रूप में देखने को मिले हैं। इसके अलावा MVP के साथ मिलकर बॉबी लेस्ली ने द हर्ट बिजनेस नाम की काफी तगड़ी टीम बनाई है। दोस्तों, नंबर 6 पर है द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों, इस साल 2020 में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इतना ज्यादा तहलका नहीं मचाया,
वो बात अलग है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन हमें इस साल यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिले, वो भी सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस की वजह से, क्योंकि अगर रेसलमेनिया 36 से पहले रोमन रेंस WWE से ब्रेक नहीं लेते तो शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन को ये मौका नहीं मिलता। इसके अलावा यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में भी ब्रॉन स्ट्रोमैन एक बी ग्रेड सुपरस्टार के रूप में निकलकर सामने आए, लेकिन फिर भी मैंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को नंबर 6 पर रखा है, क्योंकि वो इस साल यूनिवर्सल चैंपियन बने, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने और उन्होंने गोल्डबर्ग जैसे महान सुपरस्टार को रेसलमेनिया जैसे बड़े PPV में हराया। दोस्तों नंबर 5 पर है द वाइपर और द लेजेंड किलर रैंडी ओटन। दोस्तों रैंडी ओटन की सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस साल हमें 14-time वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिले। काफी सारे लेजेंड्स को उन्होंने अपनी पंट किक का शिकार बनाया। यही नहीं दोस्तों, कीथ ली, ड्रू मैकइंटायर और द रेटेड आर सुपरस्टार एज के साथ उन्होंने काफी तगड़ी फ्यूड दी। वो बात अलग है कि इस साल रैंडी ओटन की तरफ से हमें काफी ज्यादा मैचेस में हार देखने को मिली। ड्रू मैकइंटायर से 3 बार हारे और कीथ ली से भी हार गए, क्योंकि इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि WWE रैंडी ओटन द्वारा न्यू टैलेंट को मौका देना चाहती है। दोस्तों नंबर 4 पर है द मंडे नाइट मसाया और द स्मैकडाउन सेवियर सेथ रोलिंस। दोस्तों इस साल 2020 में सेथ रोलिंस हमें एक न्यू कैरेक्टर में देखने को मिले, जिसका नाम है द मंडे नाइट मसाया और द स्मैकडाउन सेवियर। दोस्तों मंडे नाइट मसाया के कैरेक्टर में सेथ रोलिंस की पर्सनैलिटी, एंट्रेंस थीम और एक्टिंग ने जो तहलका मचाया है ना, मतलब एक हील सुपरस्टार होने के बावजूद ऑडियंस फैन हो गई सेथ रोलिंस की। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं रेसलमेनिया 36 में केविन ओवंस से हारने के बावजूद सेथ रोलिंस केविन ओवंस के मुकाबले ज्यादा फेमस हो गए। यही नहीं दोस्तों, बड़ी मर्फी और डोमिनिक जैसे न्यू टैलेंट के साथ काफी तगड़ी फ्यूड देना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों सेथ रोलिंस ने इस साल बेकार बुकिंग में भी तहलका मचा दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों नंबर 3 पर है द फीन्ड ब्रे वाइट। दोस्तों 2020 की शुरुआत में गोल्डबर्ग के हाथों मार खाने के बावजूद मस्त जोक मारा द फीन्ड ब्रे वाइट ने काफी तहलका मचाया। दोस्तों द फीन्ड ब्रे वाइट एक ऐसा सुपरस्टार है जो किसी भी सुपरस्टार के साथ काफी तगड़ा मैच दे सकता है, और फीन्ड ने ऐसा किया भी है। उदाहरण के तौर पर डैनियल ब्रायन, द मिज, केविन ओवंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ फीन्ड ने काफी तगड़ा मैच दिया। यही नहीं दोस्तों, फीन्ड हमें सेकंड टाइम यूनिवर्सल चैंपियन भी देखने को मिले। दोस्तों नंबर 2 पर है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। दोस्तों समर स्लैम 2020 में रोमन रेंस ने काफी तगड़ा रिटर्न किया, फीन्ड ब्रे वाइट के भसूड़ी भरी, यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती और अपने आप को द ट्राइबल चीफ के नाम से एक नई पहचान दी। जे ऊसो के साथ भी काफी तगड़ी फ्यूड दी। यही नहीं दोस्तों, WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर को सर्वाइवर सीरीज 2020 में हराकर ड्रू मैकइंटायर का घमंड तोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि रोमन रेंस हील होने के बावजूद WWE के सबसे बड़े फेस ड्रू मैकइंटायर को हरा सकते हैं। और दोस्तों नंबर 1 पर है द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर। दोस्तों मैं मानता हूं कि रोमन रेंस ने सर्वाइवर सीरीज 2020 में ड्रू मैकइंटायर को मैच में हरा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने ड्रू मैकइंटायर को नंबर 1 पर रखा है। वो इसलिए क्योंकि ड्रू मैकइंटायर हमें WWE चैंपियन के रूप में पूरे साल देखने को मिले हैं, जबकि रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 36 में कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था। इसके अलावा दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ने ब्रोक लेसनर को रॉयल रंबल में एलिमिनेट किया, रॉयल रंबल मैच जीता और रेसलमेनिया 36 में ब्रोक लेसनर को फाइट में हराया। यही नहीं दोस्तों, WWE चैंपियन के रूप में ड्रू मैकइंटायर ने किसी आंडू बांडू सुपरस्टार के साथ फाइट नहीं की, बल्कि सेथ रोलिंस, बॉबी लेस्ली, बिग शो और रैंडी ओटन जैसे तगड़े तगड़े सुपरस्टार को फाइट में हराया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये थे मेरे हिसाब से 2020-21 के टॉप 10 बेस्ट सुपरस्टार। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिस पर मैंने रखा है 2000 लाइक का टारगेट। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही टॉप 10 वाली वीडियो लाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो पर 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना।